21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण से सिंह राशि के ऊपर छप्पर फार बरसेगा पैसा व प्यार। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। यदि आपके नाम का पहला अक्षर मा मी मू मे मो टा टी टू और टे, इनमें से यदि कोई अक्षर है तो आपकी सिंह राशि बनती है और सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है, यानी धन प्राप्ति का अच्छा संयोग उनके साथ बनने वाला है। 21 जून 2020 को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है और यह ग्रहण भारत सहित विश्व के कई देशों में दिखाई देगा और जब भी कोई घटनाक्रम ब्रह्मांड में घटित होता है तो उसका व्यापक प्रभाव पृथ्वीवासियों पर अवश्य ही होता है। कहा गया है कि यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, अर्थात ब्रह्मांड में होने वाले प्रत्येक घटनाक्रम का, ग्रह गोचर का मनुष्य के ऊपर अवश्य ही प्रभाव होता है। 21 जून को सुबह 10:43 से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा जो कि दोपहर 2:06 पर तक रहेगा और यह ग्रहण मिथुन राशि तथा मृक्षिरा नक्षत्र एवं आद्रा नक्षत्र में हो रहा है और जब भी कोई ग्रहण होता है तो उसका राशियों के ऊपर अवश्य ही व्यापक प्रभाव होता है और ग्रहण के ठीक 6 के बाद तक इसका प्रभाव चलता रहता है। सिंह राशि वालों के लिए यह ग्रहण विशेष खुशखबरी इसलिए लेकर आ रहा है क्योंकि सुबह 9:44 यानी 21 जून को जब ग्रहण प्रारंभ होगा उस समय की जो कुंडली हम यदि बनाते हैं तो 9:44 से 11:56 की जो कुंडली बनती है वह सिंह लग्न की बनती है, यानी सूर्य ग्रहण की जो कुंडली है वह सिंह लग्न की निर्मित हो रही है और इस ग्रहण योग की जो कुंडली है उसमें ठीक 11वें भाव में ग्रहण घटित होने जा रहा है, यानी पहले स्थान पर सिंह राशि है, दूसरे स्थान पर कन्या राशि है, तृतीय स्थान पर तुला, चौथे पर वृश्चिक, पांचवें पर धनु और उसके साथ में वहां पर केतु बैठे हैं और छठे घर में शनि और गुरु बैठे हैं तथा सातवें घर में कुंभ राशि है और आठवें घर में मीन राशि में मंगल बैठे हैं। वहीं 9वें घर में जो है मेष राशि है और 10वें घर में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, जिसे राज्य और पद प्राप्ति का स्थान मानते हैं, वहां पर शुक्र ग्रह विद्यमान है। वहीं जो 11वां घर है वहां पर मिथुन राशि में सूर्य, बुध, चंद्र और राहु बैठे हैं। 11वें घर के विषय में ऐसा ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो भी ग्रह बैठे, चाहे वह शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, नीच के हो, उच्च के हो, कैसे भी हो, वहाँ पर सभी लाभ फल देते हैं, यानी अच्छा परिणाम ही प्रदान करते हैं। तो दशम का शुक्र और एकादश में बैठे सूर्य, बुध यानी बुधादित्य योग तथा चंद्र राहु का जो योग है वह विपरीत स्थिति में राजयोग निर्मित कर रहा है, इसलिए सिंह राशि वालों को इस ग्रहण से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। उनका रुका हुआ व्यवसाय फिर से चालू हो जाएगा। स्थायी संपत्ति जैसे प्रॉपर्टी से भी उनको अचानक अनायास बड़ा लाभ प्राप्त होने वाला है और व्यापार के क्षेत्र में उनका व्यापार अच्छा चलने वाला है। पुरानी कोई संपत्तियां हैं तो उनसे भी उनको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा किसी बुजुर्ग व्यक्ति की प्रॉपर्टी से भी उनको लाभ मिल सकता है और उनका रुका हुआ पैसा भी उनको वापस प्राप्त होने लगेगा, यानी यह ग्रहण उनको बहुत ज़्यादा धन लाभ प्राप्त करवाएगा। इसके साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में यदि वो कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी उनको अच्छा लाभ मिलेगा। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। इसके अलावा कई अभूतपूर्व लाभ इनको प्राप्त हो सकते हैं। तो धन लाभ का अच्छा संयोग बन रहा है, विवाह का योग बन सकता है, संतान प्राप्ति का योग बन सकता है तथा नौकरी में है तो पदोन्नति इनकी होने वाली है और यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का योग बन सकता है। कारोबार में उन्नति होगी, विद्यार्थी है तो शिक्षा में इनको लाभ प्राप्त होगा और ऐसे कई फायदे इनको इस ग्रहण से प्राप्त होने वाले हैं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।